हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही स्वादिष्ट बहुत नया नाश्ता कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बाउल लिया है। बाउल में हम सबसे पहले गेहूँ का आटा डालेंगे। तो मैंने गेहूँ का आटा लिया है। और ये मैंने लिया है चावल का आटा। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक आधी चम्मच, कलौंजी। ये अगर ये नाश्ते में डालेंगे तो नाश्ता का जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा इससे हमारा नाश्ता। और अब इसमें हमें पानी का यूज करना है। तो इसका हमें डो तैयार करना है और डो हमें बिल्कुल टाइट लगाना है। तो आटा हमारा लग चुका है, देख सकते हैं मैंने थोड़ा टाइट करके आटा लगाया है। अब इसकी हम रोल शेप में इस तरीके से आधा ही लेंगे और इस तरीके से रोल शेप में बनाएंगे। और छोटे जो पेड़े बनते हैं उस शेप में हमें लेना है, छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से, ज्यादा बड़ा नहीं करना है इसको। तो मैंने इस टाइप से बिल्कुल छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो बिल्कुल अब इसको गोल करना है और जो अंगुलों की मदद से इसको इस तरीके से दबाना, इस तरीके से। तो हम सभी को इस तरीके से पेटी टाइप में इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से करना है हमें। और हम सभी को इस टाइप से बना लेंगे। तो ये मैंने सभी को इस टाइप से बना लिया है। कढ़ाई मैंने पानी बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया, तो बॉईल अच्छे से हो चुका है। अभी जो मैंने नाश्ता बनाया था इसको अब हमें इसमें भाप में पकाना है। और इसको अब हमें 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो ये बॉईल हो चुके हैं, तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं ये भाप में अच्छे से पक चुके हैं। तो इनको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ये मैंने फिर से कढ़ाई ली है, गैस मैंने ऑन कर दी। इसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच ऑयल भी डाल दिए। तो ऑयल को हम गरम करते हैं। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इसमें हमें जीरा और ये मैंने राई ली है, तो ये डालेंगे। अब इसमें खड़ी पत्ता डालते हैं। और ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च का बारीक पेस्ट बना रखा है, ये डालेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे। कटे हुए प्याज भी डालेंगे। इसको हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमें डालना है, ये मैंने टमाटर की ग्रेवी पीस रखी है।
नमक डालते हैं। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप टमाटर की ग्रेवी के अलावा और भी कुछ सब्जियां डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसको अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिए। और मैं बिल्कुल जो भी मैं बनाती हूँ बिल्कुल एक सिंपल तरीके की डिश बनाती हूँ, उसको घर में कोई भी आसानी से बना सकते हैं। और मैं उस नाश्ते को बना सकती हूँ तो आप भी दोस्तों ज़रूर उसको बना सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है ये नाश्ता बनाना, और घर की जो चीज़ें होती हैं उसी में ये नाश्ता बन जाता है जो भी मैं बनाती हूँ। अगर आप इसमें और भी सब्जियां या दाल और भी कुछ डालना चाहते हैं आपके स्वाद के अकॉर्डिंग तो आप डाल सकते हैं। ये नाश्ता हमारा पक चुका है अच्छे से, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं मैंने ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं किया है, क्योंकि ये गाढ़ा होने के बाद में, ठंडा होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें इस टाइप का ही चाहिए। और इसमें हमें धनिया पत्ती भी डालना है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को ऑफ करेंगे। ये मैंने बाउल लिया है, बाउल में हमें गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व करना है। पूरे ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाता है नाश्ता। तो गर्मा गर्म नाश्ता हमारा तैयार है, और ये बिना कम टाइम में, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये नाश्ता बनाने में, और बिल्कुल कम तेल में बनने वाला नाश्ता है। तो आप घर पे एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो हमारे सिंपल तरीके से ये नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।